नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री वर्ल्ड कार फ्री डे के अवसर पर साइकिल द्वारा पहुंचे हरियाणा सिविल सचिवालय पल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को वर्ल्ड कार फ्री डे के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास स्थान से सिविल सचिवालय हरियाणा पर साइकिल के द्वारा पहुंचे। इसके बाद वे विभिन्न वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा ई स्कूटर तथा ई कारों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए भी पहुंचे। सूचना एवं जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने प्रदर्शनी में वर्ल्ड कार फ्री डे के अवसर पर हरियाणा सरकार द्वारा लगाए गए चार्जिंग स्टेशन तथा ई वाहनों को प्रोत्साहन देने वाली इससे संबंधित योजनाएं व सब्सिडी ऑक्सीजन गुरुग्राम में सीएनजी से चलने वाली बसों व्हीकल्स ब्रेक तथा व्हीकल पॉलिसी आदि योजनाओं का अवलोकन भी करने पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आरंभ में ई वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी भी दी जाएगी। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। दुनिया के दर्जनों देशों ने इसको सन 2000 में इस दिन को फ्री कार डे मनाने का एक संकल्प लिया था और लगातार इन देशों की संख्या उसमें बढ़ रही है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं कि प्रदूषण जैसे बढ़ रहा है तो पर्यावरण की सुरक्षा ये उसमें एक आवश्यक पहलू है। बहुत से कार्यक्रम पर्यावरण सुरक्षा के चल रहे हैं, उसमें एक ये है कि कम से कम एक दिन लोग अपने डीजल के पेट्रोल के वाहनों पर न चलें। कार फ्री डे एक संकेत के रूप में उसका नाम रखा गया है, लेकिन असल में डीजल पेट्रोल इस पर चलने वाली गाड़ियाँ ये कम हो, ई वाहन वो ज़्यादा ज़्यादा चलें, लोग साइकिलों का उपयोग करें, लोग पैदल चलें, ताकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रदूषण की भी कमी आएगी। क्योंकि हम जैसा देखते हैं दिन ब दिन जैसा प्रदूषण बढ़ रहा है उसके कारण से वायुमंडल में ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही है, और हमने अनुभव किया कोविड के दिनों में कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से बहुत बड़ी संख्या में लोग कोविड से आक्रमण यानी एक प्रकार से प्रभावित हो गए। उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई तरह तरह के तरीके ढूंढ करके उनको करनी पड़ी। लिक्विड ऑक्सीजन बहुत जगह से ट्रांसपोर्ट करके हम अपने हरियाणा में लाए। हरियाणा में दो ही केंद्र ऐसे बड़े केंद्र हैं जहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन को मिलती है, बाकी छोटे छोटे केंद्र हैं, लेकिन ज़्यादा आवश्यकता होने के कारण से हमने नॉर्थ ईस्ट के जो इंडस्ट्री है जहाँ ऑक्सीजन बनती है वहाँ से भी इसको यानी एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट करके लाए। हवाई जहाज़ों का भी जो खाली टैंकर है ऑक्सीजन के लिए वो हमने लिफ्ट करके भेजे, ट्रेन्स के द्वारा भी उपयोग करके उनको यहाँ लाया गया। प्राइवेट एजेंसियों ने भी उसमें बहुत बड़ा योगदान किया, ऑक्सी कंसेंट्रेटर भी बाहर से मंगवाए, और इस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी इसको हम न रहने दें हमने भरपूर उसका उपयोग किया और हमको सफलता भी मिली। लेकिन ऑक्सीजन वायुमंडल में कैसे बढ़े इसके लिए हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाएँ। असल करते हैं इस बार विशेष योजनाएं बनाई गई, जैसे बहुत बड़े पेड़ जिनकी आयु 75 साल या इससे ऊपर हो गई उनको हमने प्राणवायु देवता कहा, और प्राणवायु देवता इसकी रक्षा सुरक्षा जो भी परिवार करेगा, संस्था करेगी, गांव करेगा, उनको 2500 रुपया हर साल का उन प्राणवायु देवता की पेंशन। ये भी एक यूनिक प्रोजेक्ट जो है हमारा हरियाणा का है, कभी कहीं और जगह ये नहीं लिया गया। लेकिन ऐसी ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़, और ये ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ हैं वही लंबे समय तक भी चलते हैं, बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बिलखंड जो है वो है, और एक गिरनार, ये पेड़ ऐसे हैं जो 70 साल 75 साल 80 साल 100 साल तक चलते हैं। तो इन पेड़ों की संख्या ज़्यादा बढ़ाई जाए। वन विभाग ने इस बार 3 करोड़ नए पेड़ लगाने का भी आह्वान किया है, और उसमें सुरक्षा जो पेड़ों की कर सकते हैं ऐसे खास करके विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की बात भी हमने कही है। तो ऐसे सरकारी तौर पर ऑक्सीवन जो वन इस वर्ष में लगेंगे 5 एकड़ से लेकर के और 100 एकड़ तक शहरों में गांव में, उनका नाम ऑक्सीवन रखा है, और ये ऑक्सीवन लगाने का प्रयोग भी बहुत से प्रांत इसका अध्ययन करके अपने अपने यहाँ लगा रहे हैं। आज भी मेरे पास पंजाब से एक ऑफर आई कि हमारे यहाँ ज़मीन है और उस पर एक ऑक्सीवन की स्थापना ये करा दीजिए। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के प्रति बहुत एक जागरूकता इस समाज में भी बढ़ी है, और ऑक्सीजन बढ़े प्रदूषण कम हो उसके लिए भी अलग अलग आयाम इस पर काम किया जा रहा है। उसी में जैसे आज कार फ्री डे है,
हमने साइकिलों से उपयोग करके सभी हमारे ऑफिसर, सभी मंत्री विधायक सब ऑफिस में कार्यालय में साइकिलों से आए हैं, साइकिलों से ही आज अपने घरों को वापस जाएंगे।